फ्रेंड्स, वेलकम टू सुजित सिंपली कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं सीताफल आइसक्रीम। ये बिल्कुल नेचुरल होगा, इसमें मैं पल्प यूज करने वाली हूँ, एसेंस का बिल्कुल यूज नहीं करने वाली हूँ। और ये काफी सिंपल है, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट में बन जाती है। चलिए देखते कैसे बनाया जाता है। बोल को मैंने 15 मिनट तक फ्रीजर में चिल होने रखा था। अब इसमें 250 ml चिल्ड क्रीम डाल के उसे अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। मैंने इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर का यूज किया है, आप हैंड विस्कर या ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हो। अराउंड 10 मिनट्स तक मैंने इसे विस्क करके लिया है। अब इसमें हम 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर दे और एक बार इस मिक्सचर को टेस्ट करके देख ले। अगर आपको स्वीट कम लग रही है तो इसमें थोड़ा सा और कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दे। मैं सजेस्ट करूंगी स्वीट थोड़ा सा कम ही रखिए, बिकॉज सीताफल ऑलरेडी काफी स्वीट होता है। हमारा थर्ड और लास्ट इंग्रेडिएंट है 1 कप सीताफल पल्प। मुझे पर्सनली पल्पी आइसक्रीम पसंद है, इसे आइसक्रीम में एक नेचुरल सा फ्रूटी टेस्ट आता है। आप चाहे तो पल्प को स्मैश या ग्राइंड करके भी डाल सकते हो। पल्प को अच्छी तरीके से मिक्स कर दे। अब इस मिक्सचर को एक एयरटाइट कंटेनर में डालकर इसे 10 से 12 घंटे तक रेफ्रिजरेट होने के लिए फ्रीजर में रख दे। अराउंड 2 घंटे के बाद मैंने आइसक्रीम को एक बार मिक्स करके लिया है, ताकि सीताफल का पल्प अच्छी तरह से इवनली मिक्स हो जाए। इसे हमें फिर से 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने रख देना है। अराउंड 10 घंटे हो गई है और हमारा आइसक्रीम भी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। अभी इसे स्कूप करके मैं एक बोल में ले लेती हूँ। लग रहा है ना, एकदम क्रीमी और टेम्पटिंग। मैं अभी इसे खाने जा रही हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।